अब खबरें विस्तार से। प्रशासन ने अब नॉन बैंकिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सिटी एसपी ने बुधवार को सभी माथहत अधिकारियों एवं एसडीओ के साथ बैठक की और एक टीम का गठन किया। नॉन बैंकिंग संस्थानों द्वारा आए दिन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इस पर नकेल कसने तथा लोगों को सचेत करने के लिए सिटी एसपी ने बुधवार को तमाम माथहत अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीओ सूरज कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो भी नॉन बैंकिंग संस्था है उन्हें आरबीआई से निबंधन कराना होगा, अन्यथा उन्हें फर्जी करार दिया जाएगा। एसडीओ और सिटी एसपी ने एक टीम का गठन भी किया है जो ऐसे संस्थानों पर जल्द ही छापेमारी करेगी। जितनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो आरबीआई में रजिस्टर्ड नहीं है उनके द्वारा यदि डिपॉजिट लिया जा रहा है तो उन सभी कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जानी है। और इसके संदर्भ में लोगों को भी अवेयर करना है कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी उसमें अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो उससे पहले ये चेक करना चाहिए कि नॉन बैंकियल फाइनेंसिंग कंपनी जो एनबीएफसी है उसका आरबीआई में रजिस्ट्रेशन हो, और वही कंपनी एनबीएफसी डिपॉजिट ले सकती है जिसको कि स्पष्ट रूप से आरबीआई के द्वारा डिपॉजिट लेने का जमा लेने का की अनुमति प्रदान की गई। ऐसी जो भी कंपनियां हैं जो बिना आरबीआई के में रजिस्ट्रेशन के और आरबीआई के परमिशन के बगैर डिपॉजिट लेते हैं वो अवैध है, और वैसी सभी कंपनियों पर हम लोग कार्रवाई करेंगे जो आरबीसी की धाराएं हैं और आरबीआई के जो नियम है जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे, और ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई करके नियमानुसार हम लोग उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। निर्देशानुसार हर जगह पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है जो कि आरबीआई के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है उन सारी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, उन कंपनीज के विरुद्ध कार्रवाई करनी है। इस तरीके की कार्रवाई से लोगों में अवेयरनेस जनरेट कराना है। इसी संबंध को लेकर आज ये बैठक हुई है और इस बैठक के तहत विशेष दल का गठन किया गया है। इस विशेष दल के गठन में सारे डीएसपी इन्वॉल्व हैं, सभी थाना प्रभारी हैं जिनको अपने थाने के स्तर पर कार्रवाई करनी है। इसके अलावा विशेष पदाधिकारी शहरी एरिया में मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त रहेंगे। तीनों कार्यपालक दंडाधिकारी जो कि धालभूम अनुमंडल में हैं वो प्रतिनियुक्त रहेंगे। सेंट्रल एक्साइज से बंदों की प्रतिनियुक्ति हुई है, साथ ही साथ एलडीएम लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको इस टीम में रखा गया है। ये सारे के सारे लोग उन कागजातों की जांच करेंगे जो कि दस्तावेज इन कंपनियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अगर ये दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो उनकी दुकानों की सीलबंदी की जाएगी और साथ ही साथ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। 4 सितंबर को अनीता बेसरा की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मीडिया को बताया कि हत्याकांड को मृतका के भाई व बहन ने अंजाम दिया है। गत 4 सितंबर को सिद्धगोया थाना अंतर्गत एक नाले से अनीता बेसरा का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने छानबीन और पूछताछ के बाद मामले का उद्भेदन कर दिया है। अनीता बेसरा की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन रानी बेसरा, रिया बेसरा और 12 वर्षीय भाई अनंत बेसरा ने किया है, और हत्याकांड की मुख्य वजह आपसी मनमुटाव है। तीनों ने पुलिस के सामने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उस बहन के साथ जो विवाद हो रहा है हुआ था, जो मृतिका है उसमें कुछ हो सकता है कि उसको लेकर ये लोग रुष्ट रही हो जिन लोगों ने किया है, और इस हत्या में तो अभी तक नहीं सामने आया। और सर जो आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए थे घर से वो क्या जो मृतिका है उनके उसके कैसे आए सर, मृतिका मतलब ये जो हथियारे हैं सर वो लोग ड्रग ला के रख दिए? नहीं नहीं नहीं, हत्या करने के पीछे मतलब उसके प्रति आक्रोशित होने का कारण भी वही वो सब हो सकता है। गोविंदपुर में पिछले दिनों एक 4 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई थी। बुधवार को बच्ची की मां को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। गत 16 अगस्त को गोविंदपुर में एक 4 वर्षीय बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई थी। बच्ची की मां बलविंदर कौर को बुधवार को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। चेक पाकर बलविंदर कौर बहुत भावुक हो गई। विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल ने चेक प्रदान किया, जबकि इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार भी मौजूद थे।
रुकिए मैम, सोलह अगस्त को माही नाम की बच्ची घर से लापता हुई थी और 18 अगस्त को उसका शव बगल के तालाब में मिला था। इस हृदय विदारक घटना से मुख्यमंत्री के साथ साथ शहर के सारे लोग मर्माहत थे, दुखी थे। इस घटना के हम लोगों ने भी प्रशासन से आग्रह किया था कि त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। मैं प्रशासन को भी साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी को गिरफ्तार करके सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। इसकी सूचना जब मुख्यमंत्री जी को दी, वो भी इस घटना से काफ़ी दुखी थे और जब शहर आगमन पर परिवार के लोगों से मिले थे, परिवार की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है, काफ़ी गरीब है। तो मानवता के आधार पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि इन लोगों को हमको आर्थिक सहायता करनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया था, जिसमें कि 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से और 2 लाख रुपये अन्य कोष से मुआवजा राशि का भुगतान होना है। 1 लाख रुपये जो मुख्यमंत्री राहत कोष की जो राशि थी, वह राशि मुख्यमंत्री जी ने भेजा है, जो मैंने उनकी माँ बलविंदर कौर को भी सपोर्ट किया और उनसे निवेदन किया कि पूरे दुख के घड़ी में पूरा भाजपा परिवार के साथ सरकार आपके साथ है और शीघ्र ही 2 लाख रुपये की जो राशि है, वह राशि भी हम लोग उनको देने का काम करेंगे। स्थायीकरण की मांग को लेकर अस्थायी कर्मियों ने बुधवार को TSPDL कंपनी के मुख्य द्वार पर धरना आरंभ कर दिया है। टाटा स्टील की अनुसंगी इकाई टाटा स्टील प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड प्रबंधन पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अस्थायी कर्मियों ने बुधवार को कंपनी के गेट के सामने अनशन आरंभ कर दिया है। उनका नेतृत्व कर रहे अविनाश कुमार ने कहा कि मांगे जब तक नहीं मानी जाती, वे धरना से नहीं उठेंगे। जिंदाबाद 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 पूरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारा स्थायीकरण जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। कंपनी लास्ट महीने के अंतिम तारीख में रात में वार्ता हुई, जहां प्रबंधन के लोग थे, हम मजदूर लोग थे और वहाँ हमारे प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं आनंद बिहारी दुबे जी, वो भी थे। उनके सामने कंपनी हर बिंदु पर सहमति अपनी जता दी कि हम कुशल रेट, अर्ध कुशल रेट देंगे, अस्थायीकरण पर भी हम गंभीरता से वार्ता करेंगे। लेकिन जस्ट वार्ता का 12 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद सुबह जब हमारे कर्मचारी भाई यहाँ 6 बजे काम करने के लिए ड्यूटी पर आए, तो इनको अचानक काम से ये बोल के रोक दिया गया कि आपका मशीन अभी बंद है, आपको अभी काम का जरूरत नहीं है, इसलिए अभी आप लोग घर चले जाइए। तो एक नया ट्रेडिशन यानी नया परंपरा का यहाँ पर मतलब हम लोग को तंग और तबाह करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये मांग, जैसा कि आप मीडिया बंधुओं को भी पता है, पिछले 1 साल से हम लोग के बीच मतलब ये कंपनी के सामने आंदोलन चला आ रहा है। पिछले पाठक साहब DLC थे, उनके सामने भी एग्रीमेंट हुआ। चांडिल थाना क्षेत्र के चलियामा व रघुनाथपुर में लकड़ी माफिया सक्रिय है। बुधवार को सागवान की लकड़ी ले जा रहे 3 लोगों को वनपाल एवं वन रक्षी ने खदेड़ा, जिनमें 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। चांडिल थाना क्षेत्र के जंगलों में लकड़ी माफिया सक्रिय है। आए दिन चोरी छिपे वनों की कटाई जारी है। बुधवार को 2 ठेलों में सागवान की लकड़ी लेकर जा रहे 3 लोगों को वनपाल संतोष कुमार और वन रक्षित रविन्द्र कुमार ने खदेड़ा। इनमें से 1 ने वन रक्षकों पर पत्थर से हमला भी किया, मगर उन्होंने 2 को पकड़ने में सफलता पाई, 1 फरार होने में सफल रहा। रघुनाथपुर से 2 ठेला में, जिसका नाम नेहरू महतो है, ये लकड़ी का बिजनेस करता है, और रघुनाथपुर से सागवान का लकड़ी 14 पीस दो ठेला में करके लेके आ रहा था। सूचना प्राप्त हुई तो हम उसको गए पकड़ने के लिए और इसको पकड़ करके हम लोग लेके आए हैं। पकड़ने के दरमियान ये पत्थर उठा करके हम लोग पर मारना चला था। 10 सितंबर को शहर में जनता दल यूनाइटेड के महासम्मेलन में बिहार के CM नीतीश कुमार भाग लेंगे। इसकी तैयारियों की समीक्षा के लिए पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिला। 10 सितंबर को शहर में जदयू के महासम्मेलन का आयोजन होना है। मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग लेंगे। इसकी तैयारियों के मद्देनजर जदयू कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को उपायुक्त से मिला। उनका नेतृत्व राजीव कुमार ओझा कर रहे थे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी जमशेदपुर आगमन हो रहा है उनका 10 सितंबर को, तो उसी की तैयारी को लेकर के युवा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी ने सभी कार्यकर्ताओं को तो जिम्मेवारी सौंपी है और हजारों के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी का जमशेदपुर में युवा जदयू स्वागत करेगा। तो मजबूती की दिशा में नीतीश जी से चर्चा भी करेंगे हमारे अध्यक्ष और इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम लोग आज डीसी ऑफिस आए। मौके पर विभिन्न दलों के भी लोग पार्टी छोड़ करके नीतीश जी में अपनी आस्था दिखाते हुए जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इन सब विषयों को लेकर के हम लोग जो है वो आज डीसी ऑफिस पर आए थे ताकि हम लोग जो उनका स्वागत है कार्यक्रम और इसका सबको लेकर जो सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह पर पुलिस बंदोबस्ती हो, तैनाती हो।